हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज के हमारी क्लास का टॉपिक है यूबिनास। तो अभी यूबिनास एक वोल्केनो है, ठीक है, दैट टू इन पेरू। तो पेरू ने डिक्लेयर कर दिया है स्टेट ऑफ एमरजेंसी, वो भी कितने दिन के लिए, 60 डेज के लिए। तो स्टेट ऑफ एमरजेंसी आप लोग यहाँ पर समझते होंगे, स्टेट ऑफ एमरजेंसी यहाँ पर डिक्लेयर करा गया है 60 दिन के लिए पेरू द्वारा, ठीक है, उन एरियाज में जो कि आपके यूबिनास वोल्केनो के आसपास स्थित है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये जो वोल्केनो है किसी भी तरीके का यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो सकता है, इसी वजह से यहाँ पर स्टेट ऑफ एमरजेंसी जो है वो जारी किया गया, ठीक है। बाकी विनाश वगैरह के बारे में हम लोग यहाँ पर और सारी चीज़ों को करेंगे कवर, सो वीडियो में आप लोग यहाँ पर मेरे साथ बने रहिए। उसके साथ अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है जुलाई एक्सटेंशन ऑफर, जो कि आज रात को ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से इस ऑफ़र को यहाँ पर आप लोग ग्रैब कर लीजिए। अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल का यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा एक्सटेंशन ऑफ़र 2 महीने 4 महीने और 6 महीने का। ऑफ़र आज रात को ही ख़त्म हो जाएगा, तो जल्दी से आप लोग इसमें एनरोल कर लीजिए, ठीक है। इसमें आप जब भी एनरोल करेंगे एक कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना, AMS लाइव, ठीक है, यूज़ द कोड, जिससे कि यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अनअकैडमी लेकर आया आप लोगों के लिए अभ्यर्थी से अधिकारी तक का सफ़र, आप लोग इसमें भी एनरोल कर सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड एनुअल प्राइस हाइक यहाँ पर आने वाला है, यानी कि प्राइस आपके बढ़ने वाले हैं आप, तो इसीलिए जल्दी से आप लोग यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना, कोड क्या है आपका, AMS लाइव, सो डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ द कोड। मूविंग फॉरवर्ड अनअकैडमी आप लोगों के लिए आरंभ बैच लेकर आया है, प्रतिज्ञा बैच है, ऑप्शनल की क्लासेस हैं, आप लोग ऑप्शनल में भी एनरोल कर सकते हैं। कॉम्बैट है जो कि 9 तारीख को है, आप लोग इसमें भी एनरोल कर सकते हो, 11 बजे होगा, ठीक है जी। फिर यहाँ पर आप लोगों के लिए ऑफलाइन बैच है, फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम, डू एनरोल इन दिस एज वेल। चलो बात करें हम लोग यहाँ पर यूबिनास वोल्केनो के बारे में, तो ये आपका इट इज़ इन मोक्यूगुआ, जो कि एक रीजन है आपका विच लाइज 1200 किलोमीटर्स साउथ ईस्ट ऑफ द कैपिटल सिटी लीमा। तो पेरू की जो कैपिटल है वो है लीमा। लीमा के साउथ ईस्ट हमें एरिया में आपका ये वोल्केनो जो है वो देखने को मिलता है, एंड इट इज़ द कंट्रीज मोस्ट एक्टिव वोल्केनो। ये पेरू का सबसे एक्टिव वोल्केनो माना जाता है। जो जोन है इट इज़ द पार्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि रिंग ऑफ फायर है क्या, ठीक है। आप लोगों ने इसके बारे में डेफिनेटली पढ़ा होगा, तो रिंग ऑफ फायर है क्या ये आप लोगों को बताना है। तो जो जोन है आपके इस पर्टिकुलर वोल्केनो का वो है आपकी रिंग ऑफ फायर का पार्ट, अलोंग द एजेस ऑफ पैसिफिक ओशन, विच इज़ नोन फॉर द वोल्केनिक एक्टिविटी एंड अर्थक्वेक्स। तो यहाँ पर ये एक्टिव वोल्केनो है, इसमें कुछ भी होने के चांसेस हैं, इसी वजह से 60 दिन का यहाँ पर स्टेट ऑफ एमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है पेरू द्वारा। अब यहाँ पे अगर हम पेरू के बारे में बात करें तो देखिए, पेरू आपका साउथ अमेरिका का पार्ट है, ठीक है। कैपिटल इसकी है लीमा, लीमा जो है कैपिटल सिटी है, एंड इट इज़ लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ साउथ अमेरिका। वेस्टर्न साइड में आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो पेरू, ठीक है, और ये कैपिटल है। यहाँ पर आपको एंडीज भी देखने को मिलेंगे, एंडीज माउंटेन। फिर ये बॉर्डर शेयर करते हैं 5 कंट्री से। इक्वाडोर है आपका, कोलंबिया है नॉर्थ में, ब्राज़ील आपका ईस्ट पे आ जाता है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो, ये रहा ब्राज़ील साइड में, ब्राज़ील ये रहा, ये कोलंबिया हो गया, ये इक्वाडोर हो गया आपका, नीचे बोलीविया देखने को मिल रहा है, फिर आपका चिली है ना जी, साउथ की तरफ चिली आपको देखने को मिलेगा, और जो उसके वेस्टर्न बॉर्डर है वो आपको पैसिफिक ओशन की तरफ देखने को मिलते हैं। सुना, जो ये रीजन है वो इंक्लूड करता है टावरिंग पीक्स ऑफ एंडीज माउंटेन, जो मैंने आपको बताया, उसमें से आपके यूकास्क्रॉन भी हैं जो हाईएस्ट पीक है आपके पेरू की, और ये रीजन जो है दैट इज़ आल्सो द होम टू लेक टिटिकाका विच पेरू शेयर्स विद बोलीविया। तो बोलीविया के साथ यहाँ पर पेरू शेयर करता है लेक टिटिकाका को, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको आप लोग याद रखना, ये आपके मैपिंग के लिए भी बहुत इसेंशियल है, काम आएंगे आगे जाके, है ना जी। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर आप लोग याद रखना, और ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है मैपिंग के लिए, दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। एंड द अदर थिंग,
यहाँ पर जो आपका वोल्केनो है यूबिनास, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप लोगों के लिए इस टॉपिक में इम्पोर्टेंट हो जाती है स्टेट ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। स्टेट ऑफ इमरजेंसी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, तो इसके बारे में भी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर होनी चाहिए, जिस तरीके से पेरू ने यहाँ पर डिक्लेयर करी है। ओके जी, चलिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, इसे लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।